बाहुबली नेता धनंजय सिंह को लेकर शनिवार को ऐसी खबर आई कि पूरे जौनपुर में हड़कंप मच गया। अचानक से उनकी जेल जौनपुर से बरेली शिफ्ट कर दी गई। जेल की अदला बदली पर पूर्व सांसद की पत्नी, जिला पंचायत अध्यक्ष और बसपा प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने गहरे सवाल उठा दिए। मेरे पति धनंजय सिंह जी को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसा क्या वजह है आई जो ऐसा करना पड़ा? इस समय मुझे, मेरी बच्चों, मेरी परिवार को खतरा है। मेरे पति पर हत्या का प्रयास किया जा सकता है। आज मैंने जनता की अदालत में हूँ, आप ही फैसला करें। सिर्फ सवाल ही नहीं, श्रीकला रेड्डी ने बहुत बड़ी आशंका जाहिर कर दी। कहा उनके पति और परिवार की जान को खतरा है। आई एम स्केर्ड ऑफ फॉर हिज लाइफ। उनका जीवन को लेके हम डरा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ हत्या का ये कुछ कर सकते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? किसके ऊपर आपको आशंका है? आप सबको मालूम है किससे ये सब हो रहा। अभी आपको बताया है उनके ऊपर AK-47 से हमला हुआ था, और वो ही लोग अभी जो भी, यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, तो कोई लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार किए तो दूसरा बार क्यों नहीं कर सकते। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद की पत्नी ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे सिंदूर और मंगलसूत्र की रक्षा की जाए। प्रधानमंत्री जी को अपील कर रही थी कि हमारा सुरक्षा, हमारा जो पति का, उनके लिए सेफ्टी के लिए हम मांग रहे। बसपा प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने जौनपुर की जनता से खुद को जिताने के लिए भावुक अपील भी की। क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। सूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की, आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ। बता दें कि शनिवार सुबह धनंजय सिंह को जौनपुर जिला जेल से हटाकर बरेली जेल भेज दिया गया था। बीते काफी दिनों से धनंजय को हटाए जाने की चर्चा चल रही थी। वहीं दोपहर में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन 7 साल की सजा पर रोक बरकरार रही। इस पूरे घटनाक्रम के बाद धनंजय सिंह की पत्नी मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने अदालत के फैसले पर खुशी जताई, तो वहीं जेल बदले जाने पर बड़ा अंदेशा भी जता दिया।